नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राघवेंद्र आर्ट गैलरी में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर आर्ट पीस शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने उसको बनाने में काफी सारी गलतियां भी की हैं, ये गलती आप कभी ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको कौन के साथ ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है MDF बोर्ड। यहाँ पर मैंने इस कटिंग में MDF बोर्ड लिया है क्योंकि मुझे इसी कटिंग में अपना आर्ट पीस बनाना है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, आज जो आर्ट पीस मैंने यहाँ पर बनाया है, मैं पहले इसको मोल्डेड क्ले के साथ बनाने वाली थी, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे चैनल पर मुझे बहुत से कमेंट्स आए हैं आप लोगों के कि आपको कौन के साथ काम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको कौन को कैसे ज्वाइन करना है, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी परेशान कर रही हैं, तो मैंने सोचा ठीक है मैं इसको दोनों के साथ बनाऊंगी, जिससे कि मैं आपके साथ एक नया डिजाइन भी शेयर कर पाऊंगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कौन को कैसे ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर मैंने ली है फेविक्रिल मोल्डेड क्ले, जो कि दो पार्ट में आती है। आपको दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और इस तरह से कुछ डोको बना लेना है, और इसके बाद जो भी बाहर वाली आउटलाइन है उसको मैंने इसी तरह से डोरी के साथ कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर जो डोरी वाला काम है वो कंप्लीट हो गया है। बीच में मैंने यहाँ पर कुछ फ्लावर्स वाला डिज़ाइन बनाया है, जो पूरा डिज़ाइन मैंने पेंसिल के साथ बनाया है। अब यहाँ पर मैंने कलर कर लिया है, ये मैंने रेड के साथ थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स किया है और एक पिंक शेड बना लिया है, क्योंकि जब भी हम इस तरह से कलर करते हैं तो हमें काफ़ी सारे शेड में कलर करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर लाइट शेड से स्टार्ट किया है और इसके ऊपर मैं और भी ज़्यादा शेड ऐड करते जाऊँगी, और जितनी ज़्यादा मैं डिटेल ऐड करूँगी उतना ज़्यादा जो हमारे कलर हैं वो अच्छे लगेंगे और बहुत ही सुंदर लुक आएगा। अब मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन कलर और इसके अंदर मैं थोड़ा सा वाइट कलर भी ऐड करने वाली हूँ ताकि मुझे एक लाइट शेड मिल जाए। इसमें भी हम इसी तरह से शेड के साथ काम करेंगे, जिससे कि जो हमारा आर्ट वर्क है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। अगर आप भी परेशान हैं कि आपके जो कलर हैं वो कुछ टाइम बाद डल हो जाते हैं, उनकी शाइन चली जाती है, और जो आपके आर्ट वर्क हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक सिक्योर नहीं रह पाते, तो उसके लिए मैं आज आपको आगे बताने वाली हूँ कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि आपके जो आर्ट वर्क हैं, जो आपके कलर्स हैं, वो ख़राब नहीं होंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको तीन बार शेड कर चुकी हूँ। पहले मैंने पिंक लिया, फिर उसके बाद थोड़ा और डार्क कलर, और फाइनली मैंने यहाँ पर रेड कलर के साथ इसको कंप्लीट किया है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज मैंने कोन बनाने में क्या गलती की है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यही कारण है जिसकी वजह से जो हमारा कोन है कई बार अच्छे से नहीं चलता है और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग उसमें नहीं आती है। अब यहाँ पर मैंने 3 स्पून लिया है मार्बल डस्ट पाउडर, और उसके अंदर मैंने वाइट कलर भी ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें फेविकोल MR ऐड किया है 3 स्पून, और इसके बाद मैंने पेस्ट को बनाना स्टार्ट किया। मैंने बनाते हुए इसको सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा लिक्विड बना लेती हूँ और इसे थोड़ा सा वाइट कलर में बनाती हूँ, जिससे कि जो हमारा आर्ट वर्क है उसकी आउटलाइनिंग काफ़ी अच्छी लगे और वाइट कलर के साथ वो काफ़ी खिल के आए। लेकिन मैंने गलती क्या की यहाँ पर, मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइट कलर ऐड कर दिया, जिससे कि जो हमारा पेस्ट है वो कुछ इस तरह से बन गया जैसे कि व्हिप क्रीम होती है जो हम केक के ऊपर लगाते हैं। ये काफ़ी फ्लफी सा हो गया था बनने के बाद। देखने में तो मुझे लग रहा था कि इससे काम काफ़ी अच्छा होगा, इससे मेरे थंब के ऊपर भी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा, जैसा काम मुझे आज चाहिए इससे मैं कर पाऊँगी। लेकिन जब तक ये रेडी हुआ और इसको बनाने के बाद जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि इस तरह के कोन को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं इससे ऐसे काम नहीं कर पा रही थी जैसे कि मैं नॉर्मल जो कोन बनाती हूँ उसके साथ करती हूँ। यहाँ पर जो पेस्ट है वो काफ़ी लिक्विड था, तो उसकी वजह से मुझे इसे कंट्रोल करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। कई बार इसका जो डिज़ाइन है, जो मुझे बनाना था फ्लावर्स की आउटलाइन में, वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था और ज्वाइन भी बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रहा था। जैसे कि इस वाली पेटल्स में देखिए, जो यहाँ पर है ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा डिज़ाइन हो गया है, इसी तरह से इसके साथ मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब भी मैं कोन को ज्वाइन कर रही हूँ मैं उसको थोड़ा सा शेक कर रही हूँ, जिससे कि जो हमारा लिक्विड है वो अच्छे से सेट हो जाए। आपको इसी तरह से करना है, जहाँ भी आपको कोन को ज्वाइन करना है अपने कोन को आपको वहीं पे रख के थोड़ा सा शेक करना है, और उसके आगे आपको फिर अपना कोन चलाना है। इस तरह से आप अगर करेंगे तो फिर भी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी।
लेकिन अगर आप कोन वर्क पसंद करते हैं और परफेक्ट कोन बनाना सीखते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगी। आप वहां से देख के परफेक्ट कोन बना सकते हैं जिसके साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लिपन आर्ट का कंप्लीट कोर्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब यहां पर जो हमारा आर्ट वर्क है वो एकदम ड्राई हो गया है और ड्राई होने के बाद अब इसके ऊपर बारी आती है वार्निश करने की। अब वार्निश के बाद इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ काफ़ी सारे मिरर्स जिससे कि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। अब आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं ऐसा क्या करती हूँ जिससे कि मेरे आर्ट वर्क हमेशा सही रहते हैं और कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। इस आर्ट पीस के ऊपर फ्रेंड्स मैंने दो बार वार्निश की है। पहले एक बार वार्निश करने के बाद जब आपकी वार्निश सूख जाए तो उसके बाद एक बार और अप्लाई करें। इससे क्या है, जो हमारे कलर्स हैं या हमारा बोर्ड है कुछ भी खराब नहीं होता है और बहुत ही लंबे टाइम तक सिक्योर रहता है। आप बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं अपने आर्टवर्क को, चाहते हैं कि उसमें कोई भी फंगस वगैरह ना लगे, तो पीछे की साइड भी कलर जरूर करें। मैं इसमें जब भी यहाँ पर कोई हैंगिंग हुक लगाऊंगी तब मैं इसको कलर के साथ कंप्लीट करूंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके आर्टवर्क कभी भी खराब नहीं होंगे और लंबे टाइम तक चलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।